केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा में दीपेश टंडेल के नाम की घोषणा के बाद कई दिनों से चल रहे प्रदेश प्रमुखों के नाम की घोषणा अब आखिर कौन की बेचैनी खत्म हो गई है। हालांकि प्रदेश प्रमुख की रेस में तीन व्यक्तियों के नाम चल रहे थे, जिसमें दाना के माजी सांसद नट्टू पटेल, दमन के विशाल टंडेल एवं वासुभाई पटेल, इन तीनों लोगों के साथ दीपेश टंडेल का नाम भी चल रहा था, जिसमें आज राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा दीपेश पटेल के नाम की घोषणा के बाद दमन दीव दादरा नगर हवेली के भाजपा अध्यक्ष के नाम पर उनकी मुहर लग गई है। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। भाजपा सरकार कई देश के हित में निर्णय ले रही है, जिसे 370 GST, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जैसे कई अन्य मुद्दों के साथ भाजपा पार्टी ने जो वादे किए हैं वे वादे निभाए भी हैं। मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि केंद्र से रिटर्निंग ऑफिसर के नाते ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की हर राज्य में प्रदेश अध्यक्ष चुनने की हो रही है, उसके नाते मैं दादर नगर हवेली दमन दीव जो अभी नया राज्य बना है, दोनों जुड़ के यूनियन टेरिटरी बना है, मैं उसमें आने का मौका मिला। बंधुगण, सर्वसहमति से दीपेश टी टंडेल जी को इस प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया गया है भारतीय जनता पार्टी। एक बहुत ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये पूरा विषय पूरा हुआ है। इससे पहले पर्यवेक्षक के नाते भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा की सदस्य सरोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक के नाते यहाँ आई थी। सभी के साथ समन्वय करने के बाद, सभी के साथ बातचीत करने के बाद एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत किया था। सबके सहमति से यह प्रदेश अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से पूरा हुआ और जो नॉमिनेशन में जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना हस्ताक्षर दिया, उनका नाम नट्टू भाई पटेल जी है, जो पूर्व सांसद हैं, दिग्विजय भाई परमार जी हैं, हसमुख भाई भंडारी जी जो पूर्व हमारे अध्यक्ष थे, राकेश चौहान जी हैं, फतेह सिंह चौहान जी, विनीत मुंद्रा जी, वासु भाई पटेल, लालू भाई पटेल जो हमारे वर्तमान के सांसद हैं, चूँकि उनके घर में उनकी बिटिया की शादी है और आज एक हल्दी का रसम भी है तो वो अपने घर में है, किंतु उनसे पूरे प्रक्रिया में कल गहन चिंतन और उसके बाद उनकी सहमति के बाद ये पूरा विषय हुआ है। सब सहमत हैं इसमें। बंधुगण, हमारे और कांग्रेस पार्टी में एक फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी इज फैमिली, हमारी पार्टी एक फैमिली है, वहीं कांग्रेस पार्टी में फैमिली इज पार्टी, उनकी जो फैमिली है वो पार्टी होती है। आप देखिए किस प्रकार से एक परिवार के नाते हम सब, अगर बायोलॉजिकल परिवार देखा जाए तो हम सब अलग अलग परिवार से हैं, खून का रिश्ता नहीं है, मगर खून से भी अधिक का रिश्ता हम दोनों के बीच, हम सब के बीच आपस में भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि हम एक परिवार के नाते काम करते हैं और सर्वसहमति से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में देखिए केवल कुछ लोग जो 10 जनपद में रहते हैं, जो एक फैमिली है, वो फैमिली ही उनकी पार्टी है, जो वो फैमिली कहती है वही होता है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ सर, अभी संदीप पात्रा जी ने बताया और उन्होंने डिक्लेयर भी किया कि भाजपा दादरा नगर हवेली के किन किन वरिष्ठ लोगों ने ये प्रक्रिया में सिग्नेचर दिए, हाजिर रहे, तो ऐसा कोई विवाद है नहीं। छोटे मोटे किसी को असमझ हो सकती है तो असमझ दूर की जाएगी। पार्टी ना पोतानी विचारधारा हो, पार्टी ने पोताना मापदंड हो, मापदंड हिसाब से काम करवानो छे। एटले आमा दादरा नगर हवेली मोटो छे, दमन दीव नानो छे, एवो कोई विषय होतो नथी। एवो ज विषय गुजरात नानो छे, आपणे उत्तर प्रदेश मोटो छे, एटले ए रीते कोई पार्टी काम नथी करती। पार्टी दरेक राज्यने, दरेक प्रदेश, दरेक जिल्लाने समान तक आपे छे ने दरेक जग्या पर समान रीते पोताना मापदंड प्रमाणे काम करे छे। जे शेड्यूल बनाववामां आवे छे ए नॉर्मली बधे दरेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओ छे, दादरा नगर हवेलीमां भी घणा छे, दमन दीवमां भी घणा छे, એ લોકોનો ઘણો જૂનો અનુભવ છે, 30-30 વર્ષથી પાર્ટીમાં કામ કરે છે, એટલે જિલ્લાના કાર્યક્રમો જિલ્લાના લેવલ પર હોય છે, એના માટે જિલ્લા અધ્યક્ષોની નિમણૂક થઈ ચૂકી છે અને જ્યાં જ્યાં જિલ્લામાં પ્રદેશની જરૂર હશે ત્યાં એઝ અ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને પ્રદેશના પદાધિકારી સાથે અમે ત્યાં હાજર રહીશું।